दोस्तों, मनुष्यों ने अपने विशेष तकनीक और कौशल के माध्यम से दुनिया में कई प्रसिद्ध संरचनाओं का निर्माण किया है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। ऐसे ही आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया में प्रसिद्ध मानव निर्मित मेहराब के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। आर्क दी ट्रॉम्फ पेरिस फ्रांस। यह इमारत पेरिस में स्थित सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है तथा यह चैम्स एलिसिस के पश्चिमी छोर पर स्थित है जो कि शहर के बीचों बीच चार्ल्स दी गाल में खड़ा है और यह उन सभी लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांतिकारी और नेपोलियन युद्धों में फ्रांस के लिए लड़े तथा उनका निधन हो गया। 50 मीटर ऊंची इस इमारत को 1806 से 1836 के बीच में बनवाया गया था। द गेटवे आर्क सेंट लुइस यूनाइटेड स्टेट्स। सेंट लुइस मिसौरी में एक 630 फीट ऊंची स्टेनलेस स्टील से बनी हुई प्रतिमा है और इसको एक मेहराब के रूप में बनाया गया था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा मानव निर्मित स्मारक है और दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा आर्क। आर्क के ऊपर जाने के लिए मेहराब के प्रत्येक चरण में एक ट्राम होता है। प्रत्येक ट्राम 8 अंडाकार के डिब्बों की एक श्रृंखला है तथा प्रत्येक ट्राम 5 यात्रियों को रखने में सक्षम है। रुआ अगस्टा आर्क लिस्बन पुर्तगाल। सन 1755 के भूकंप के बाद इस ऐतिहासिक इमारत और लिस्बन में आगंतुक आकर्षण शहर के पुनर्निर्माण के लिए इस स्मारक को बनाया गया था। सन 1755 से 1873 तक इस स्मारक के निर्माण का कार्य हुआ तथा यह स्थान पुर्तगाल के हथियारों के कोट से भरा है। फ्रांसीसी मूर्तिकार सेलेस्टीन अनातोल कैल्स द्वारा बनाई गई शीर्ष पर स्थित रूपक समूह वैभव और जीनियस को यह गौरव प्रदान करता है। आर्क सिंकेटेनर ब्रुसेल्स बेल्जियम। एक स्वतंत्र देश के रूप में बेल्जियम की 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए 1880 की विश्व प्रदर्शनी के लिए आर्क की योजना बनाई गई थी। हालांकि इसके निर्माण कार्य को समय पर पूरा नहीं किया गया, इसके निर्माण में काफी समय लग गया, लेकिन आखिरकार सन 1905 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। तब बेल्जियम की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। आर्क दे ट्रायम्फ बार्सिलोना स्पेन। आर्क दे ट्रायम्फ स्पेन के बार्सिलोना शहर में एक विजयी कट्टर है। इसको सन 1888 में बार्सिलोना विश्व मेले के प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में वास्तुकार जोसेफ विलसेका आई कासानोवास द्वारा बनाया गया था जो कि स्यूटा देला पार्क की ओर जाता है जो अब विश्व मेले की जगह पर स्थित है। यह इमारत विश्व प्रदर्शनी में प्रतिभागियों को पुरस्कार देने का प्रतिनिधित्व करता है। पेटुसाई वियंतियान लाउस। पेटुसाई का अर्थ है विजय गेट या वियंतियाने में ट्रायम्फ का गेट। यह लाओस के केंद्र में एक युद्ध स्मारक है जिसे सन 1957 से 1968 के बीच बनाया गया था। यह स्मारक उन लोगों के लिए समर्पित है जो फ्रांस से लाओस की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। इस इमारत को पेटुसाई आर्क या वियंतियाने आर्क दे ट्रायम्फ के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया गेट नई दिल्ली भारत। इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है जो अज्ञात सैनिकों तथा भारतीय सेना के मकबरे की साइट है। यह स्मारक विश्व युद्ध एक और अफगान युद्धों में मारे जाने वाले भारतीय सैनिकों के लिए समर्पित है। गेट का निर्माण सन 1921 में शुरू हुआ और आधिकारिक तौर पर सन 1933 में जनता के लिए खोल दिया गया था। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क दे ट्रायम्फ से प्रेरित है। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था तब इसके सामने
जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी थी, जिसे बाद में ब्रिटिश राज के समय की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटूनाई.com पर भी विजिट कर सकते हैं।